आज जो देश के हालात हैं वो हालात हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की बताई हुई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग को पे चलने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तीन बातें भी भाई साहब ने बताई थी कि वो तीन बातें बताई थी कि जो शिक्षित हो चुके हो वो शिक्षित करो, यानी अपनी कौम को शिक्षित करो, अगर शिक्षित हो चुके हो तो शिक्षित करो, और जो लोग संगठन को समझ चुके अपनी कौम को संगठित करने का प्रयास करो, और जो लोग संघर्षी हैं वो अपनी कौम को संघर्षी बनाने की आदत, यानी उनको संघर्ष कैसे करना ये बताएं और उनको मजबूत करें, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है, और जिस दिन आप छीनने की आदत डाल लोगे, जैसे पांच हमारे हाथ में उंगलियां ना, पांच एक एक करके तो कोई किसी को तोड़ देगा, लेकिन अगर ये पांचों बंद मुट्ठी बंद गई तो इन सबको तोड़ के रख देंगे, ऐसे हमें बनना है। तो दोस्तों, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता, और जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। अगर अपनी समस्या का हल करना है तो गली गली पूछे पूछे जाके अपनी कौम को संगठित करने की जरूरत है। दोस्तों, किसी जमाने में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको कहीं पर जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर हमें एक ऐसा अधिकार दिया कि आज इन अनुवादी व्यवस्थाओं की हिम्मत नहीं पड़ रही हमें छूने की, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे पास एक ताकत है संविधान में, आर्टिकल 341 जो रिजर्वेशन की ताकत है उसको खत्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास अगर ये ताकत है तो ये जो बाहर से तीन गीदड़ा आए थे ये भी बहुत बड़े चालाक हैं। हमारे पास एकमात्र संविधान ऐसी ताकत है जिससे हम इन्हें परास्त कर सकते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है, इनके पास भी तीन चीजें हैं, भीम, व्याम और बॉर्डर। इन तीनों चीजों का नाम ले लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में दंगा 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 फैलाकर, दलित और मुसलमानों को लड़ाकर, हिंदू और मुसलमान देकर कुर्सी पर कब्जा किए बैठे 15% लोग कहते हैं समाज में बेवकूफों की कमाई समझदार बैठ के खाते। अगर हम लोग संगठित होते, हम लोग इकट्ठे होते और इनको मुड़तोड़ जवाब देने लायक होते तो इन गीदड़ों की हिम्मत नहीं थी जो आज हम पर सवार हो जाते। हाथी की ताकत कितनी बड़ी होती है, हम लोग हाथी हैं, 85% ताकत, 1936